जिंदगी दे किसे मोड़ दे संत निंदक आली लाइन च नहीं आना, संत सेवी आली लाइन च आना है। असी तुसी ते दुनियावी मनुख हां, पर अपने प्यारियां संतां भगतां दे प्रति इतिहास विच भी ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच भी सतगुरां ने उस्तत कीती, महिमा कीती। बाबा बुढ़ा साहिब जी भगत कह लो, संत कह लो, ब्रह्म ज्ञानी कह लो, साधु कह लो, गुरु नानक महाराज ने किन्ना प्यार बख्शिया उन्होंने। ये गुरु नानक साहब का वचन है, बाबा बुढ़ा जी ते खुश होके दिता, तैथों ओले ना होसा, गज के आखो साधना। बड़ा वड्डा वचन है, तैथों ओले ना होसा। बाबा बुढ़ा साहब जी तुहाडे कोलों मेरा कोई पड़दा नहीं, मैं जिथे भी होवांगा तुसी लभ लोगे, आखो साधना। हुण मैं साखी नहीं लैणी दी, किन्नी वारी चांस होए ते संगतां ने बाबा जी नूं बेनतियां कीतियां, किधरे बाबा बुढ़ा साहब जी ने घोड़ी दा बहाना बनाया, किधरे कोई। पर वचन वरतदा सी तुसी मैनूं लभ लो। गुरु साहब दी किन्नियां खुशियां, गुरु अंगद देव जी उन्होंने भी बाबा बुढ़ा साहब जी का किन्ना सत्कार किया, किन्ना। एक बारी बाबा बुढ़ा साहब जी झोली अड के कहंदे है गुरु अंगद साहब जी नू, जी कोई सिखिया दिओ, कोई उपदेश दिओ। एडा प्यार दिता गुरु अंगद देव जी, कहण लगे तिन को क्या उपदेसीए, जिन गुरु नानक देओ। जिन्ने गुरु नानक दियां खुशियां लईयां होण, गुरु नानक नूं रिझाया होवे, गुरु नानक दी प्रसन्नता लई होवे, गुरु अंगद साहब कहिंदे मैं उन्हों की उपदेश दिया, उन्हें ते जड़ फड़ लई, सिखी दी जड़ फड़ लई जिन्हें गुरु नानक नूं रिझाया। बाबा बुढ़ा साहब जी बारे तीजे पातशाह ने किनिया खुशियां दित्तियां, गुरु अमरदास जी का वचन है बाबा बुढ़ा साहब जी बारे, तुसी तां सिखी दे थम हो, आखो सतना। बड़ा वड्डा वचन है, तुहाडे घरां दीआं बिल्डिंगां, कारखानियां दीआं बिल्डिंगां, होर बिल्डिंगां थम ते खड़ियां हुंदियां, थम ना होवे बिल्डिंग नहीं टिकदी। गुरु अमरदास जी कहिंदे बाबा जी तुसी सिखी दे थम हो, तुहाडे वर्गियां कमाईयां वालियां दे सदके आ सिखी खड़ी है, आखो सतना। तुसी सिखी दे थम हो, थम। ये गुरु अमरदास जी का वचन, मैं सिर्फ इशारे दे रहा, गुरु साहब आप संतां भगतां प्यारियां दी वडियाई करदे रहे। आप इसे तरह चौथे पातशाह का वचन, पंजवें पातशाह का, छेवें पातशाह का महाराज सेवा लैण करे अरदास,
नानक दास संत पाछे परे। काफी समा चौथे पातशाह का बचन नहीं सी लगा, हुण कुछ महीने हुए चौथे पातशाह का भी बचन लभ्या है। इतिहासकारां दे इतिहास विचों बाबा बुढ़ा साहब जी बारे चौथे पातशाह का भी बचन है। आप जैसा संत संसार ते होर कोई हैगा ही नहीं। पंजवें पातशाह का बचन पक्के हो जाओ, साडे मत्थे ते मोहर लग जे संत सेवी है। ये रब दे प्यारियां दा सत्कार करन वाले चौथे पातशाह दा बचन आ तरन तरन रोड थोड़ी अगे जाके उत्थे जदों राह निकलदा चुभागदा नहीं। छेवें पातशाह दी बांह फड़ी हुई, छेवें पातशाह दी उम्र 3-4 साल होई, 4-5 साल। गुरु अर्जन देव जी ना बाबा बुढ़ा साहब जी नूं कहिंदे आ जी बालक नूं विद्या पढ़ाओ। आखो सतनाम, छेवें पातशाह नूं विद्या बाबा जी ने पढ़ाई, शस्त्र विद्या भी बाबा जी ने सिखाई, घोड़ सवारी दूजी विद्या पढ़ाई। इंज गुरु अर्जन देव जी बांह फड़ांदे आ, कहिंदे जी बालक नूं तुसीं पढ़ाओ। ते अगों बाबा बुढ़ा साहब जी कहिंदे आ मैं तो घास को रखा, जट सी ना जट, घास कहिंदे घा नूं। बाबा जी कहिंदे जी मैं ते घा दी राखी करन वाला, मैं कित्थों विद्या पढ़ा सकदा, मैं ते घा दी राखी करन वाला, घा वड्ढण वाला। जदों बांह फड़ा रहे सी बाबा जी दे हत्थां नूं मिट्टी लगी सी, मैं ते घा दा रखा। जदों इन्नी गल कही मैं तो घास को रखा, गुरु अर्जन देव जी का बचन सुनियो तंग रह जी। गुरु अर्जन देव जी ने अगों जवाब दिता तैं तां सकल जगत को रखा। आखो सतनाम, बाबा जी तुसी घा दे रखे नहीं, तुसी सारे जगत दे रखे। उहदा रूप हो चुके छेवें पातशाह, उन्होंने भी बाबा बुढ़ा साहब जी की उस्तत की थी। वो की उस्तत है, गुरु हरगोबिंद साहब जदों भी बाबा बुढ़ा जी नूं बुलाउंदे सी ऐ कहिंदे सी भाई बुढ़ा जी परम सुजान, भाई बुढ़ा जी परम सुजान। तां बेनती कीती जदों बाबा जी ने चोला बदलिया ना जी रमदास साइड वाला, छेवें पातशाह ने अंतम समा संभाले, उदों भी बड़ी वड्डी इतिहासक गल सी बाबा बुढ़ा साहब का विमान गुरु हरगोबिंद साहब ने अपने मोढ़े ते रखिया है, अपने मोढ़े। गुरु साहब दे भी नेत्र सज्जल हो गए सी, कहिंदे अज मैं वो विमान मोढ़े ते रखिया जिन्हां कोल मेरी माता नंगे पैरी चल के गई। कहिंदे गज के साथ वो तुसीं अगे सुनिया जदों बाबा जी ने सुनिया भेजा सी आओ महाराज अज राती शरीर त्याग देना। जो गुरु हरगोबिंद साहब गए दो मंजे सी वाण वाले,
एक ते बाबा ही लेटे एक ते छेवें पातशाह बैठे हजूरी सिख सेवा च बाबा बिधि चंद होर ओदों बाबा जी ने अंज सिर लम्मे पए पे इधर करके ना गुरु हरगोबिंद साहब वाल आख्या सी अज कुछ मंगना ना ते नहीं करोगे महाराज कहते बाबा जी वचन कड्डो मुंह च हुकम उन्हें दूजी हरी कह महाराज देख लो ना ना करो हुकम करो अज कुछ मंगना ना ना करो बाबा जी सिर मुख चो वचन कड्डो उम्र कहते उम्र वधा दी इतिहासक गल सी बाबा जी कहते महाराज अज आ मंगना ना ना करो एक बारी है मंजे ते बैठिया बैठिया इना ही कह दियो जा बुढ़िया तेन बख्शिया बड़ी बड़ी गल एडी कमाई 113 साल सिखी कमाई हो गई 125 साल उम्र सी बाबा जी 12 साल दे सी जदों आए 113 साल सिखी कमाई हरिमंदर साहब दे पहले ग्रंथी विवेक सर दी सारा सरोवर उन्होंने बनाया कौल साहब का सरोवर सारा बाबा बुढ़ा ही ने बनाया गुरु साहब हुक्म राजा दे ड्यूटियां ला दिंदे होर भी किन्ने सरोवर बाबा जी ने बनाए होर भी किड्डी पंथ देखो मन कित्थे है भी एक करी मुख चो कह दियो जा बुढ़िया तेन बख्शिया गुरु हरगोबिंद साहब कहते बाबा जी इन्ने समर्थ इन्नी कमाई मन इन्ना नहीं गुरु हरगोबिंद साहब कहते बाबा बुढ़ा जी जेड़ा तुहाडी ये साखी सुन के इतना निम्रता का पला फड़ लेगा भव सागर तो वो भी बख्शिया जाएगा आखो साधना वो भी पार हो निहाल दास का इन्ना ही भाव है लाइव प्रोग्राम जा रहा है कई सुन रहे है भाई महापुरुषों की निंदा करने वाले हो असी आप जी का भी सत्कार है पर वेखो गुरु साहब अपनी मौजूदगी च अपने बख्शियां दा वड़ियां देंदे रहे आखो सतनाम असी भी मंगीए नानक दास संत पाछे परयो नानक दास संत पाछे परयो राह लेओए बारी राह लेओए बारी वाहेगुरु 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 नानक दास संत पाछे परे ओ नानक दास संत पाछे अमृतसर विच वड्डा कठ सी गुरु अर्जन देव जी ने ड्यूटी लाई बाबा बुढ़ा साहब जी कठ बहुत होना है फलानी तरीक फलाने वार उस तरह विसाखी भी गुरु अमरदास जी तो शुरू हो गई सब से कतर होंगे वो भी हो सकती है दूजा भी कुछ हो सकता मैं तो इतो हैरान होना भी गुरु साहब भी वेखो ड्यूटियां लाने बाबा बुढ़ा साहब जी की ड्यूटी लाई कठ बहुत है बाबा जी ड्यूटी एक दिन पहले बाबा बुढ़ा साहब जी ने सारी लिस्ट जेड़ी है ना जी कागज दे लिखी सौंपी देखो एडे सिस्टम च काम होंदे सी सतगुरां गुरु अर्जन देव महाराज ने पढ़ी तुहानू आनंद आएगा सुनो ओदे ते की लिखिया सी जड़ियां ड्यूटियां बाबा जी ने लाइया सी जोड़ियां दी सेवा फलाने जथे दी आपको सतनाम
बालन लियान दी सेवा फलाने जथे उदो सिलंडर नहीं सी हुंदे उदो बालन बलदा सी ते लंगर पकदा सी आखो साथ बालन लियान दी सेवा फलाना जथे तो ही बालन पूरा कर अगले लफ़े लिखे चूल्हे जलाण दी सेवा फलाने जथे दी तुसी चूल्हे जलाउणे आ जथे ने बालन लियाउणा एक एक जथे वी पच्ची पच्ची पंजा मैंबर चौथा लिखे आटा गुन्नण दी सेवा फलाने जथे दी पंजवा लिखे पानी लियाउण दी सेवा फलाने जथे दी छेवा लिखे पानी पियाउण दी सेवा फलाने जथे दी सतवा लिखे पशुआं लई क्योंकि घोड़ियां ते आंदियां सी कई संगतां पशु वाड़ा वखरा बनदा सी पशुआं लई पानी वह भी पूरा करना कह दो गज के साधना ये फलाने जथे बारों संगत आनी कई सिख संगत घोड़िया अठवां लिखे पशुआं नू पानी पियाउण दी सेवा फलाने जथे फलाने नौवां लिखे सिख संगतां दे इशनान कराउण वाली जगह ते पानी पूरा करन दी सेवा फलाने जथे एक ऐसा सिस्टम सी वेखो संगत दे काम इंजी होण मन ला के आखो सतनाम अपने वालों यतन अपने ये बाबा जी ने लिस्ट सौंपी गुरु अर्जन साहब ने एक 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 पॉइंट पढ़िया किनका लो उन्हों का 23 तरीक जरा 23 अक्टूबर 2021 जन्म दिहाड़ा लंघे गुरु अर्जन देव जी लिस्ट पढ़ के कहते हैं बाबा जी एक सेवा तुसी भुल गए लिखनी आपको साधना एक सेवा भुल गए लिखनी बाबा जी ने अंज हाथ जोड़े हजूर वो केड़ी आप जी याद करा गुरु अर्जन देव जी कहते बर्तन मांजन की सेवा किसी की लाई नहीं तुसी आखो सतनाम बर्तन मांजन की लाई नहीं किसी की उहदा नां ही नहीं आया आ सी बाबा बुढ़ा साहब बाबा बुढ़ा साहब कहते महाराज आप जी दे कुकर दे मन विच आया मैं कल्ला सेवा लाउण वाला ही ना बन जावा सेवा करने वाले अज भी आवा ये बर्तन मांजन की सेवा गुरु अर्जन देव महाराज ये मैं अपने दे अपने जथे वास्ते रख ली ऐसी सिक्की अकाल आ करनी आप लेना वो पढ़ाइया नहीं करनिया मैं गया सी फलाने सत्संग ते मेरी सेवा नहीं हुई तू सेवा कराउन नहीं गया सेवा करन जाना आखो सतनाम किते कोई चीज नहीं पहुंची तेनू नजर आ रही तू उठ के प्रबंधक नू कह दे भैया पहुंचा दो कोई गुरु घर विचों त्रेड़ लैके ना चला जावे आखो सतनाम बाबा बुढ़ा साहब जी का आ जन्म दिहाड़ा मनाउणा है बाबा जी कहते भी मैं सेवा कला लाउण वाली ना बन जा आप भी कमावा कह दियो गज के सतनाम हे गुरु अर्जन देव महाराज इन्हों बख्शियां दा सदका नानक दास संत पाछे संगत बोले